तो देख सकते हैं अभी इस वीडियो को एडिटिंग हो रहा है, तो चलिए एडिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बूम। अगर आपके बाइक से ऐसा आवाज़ आ रहा है तो पहले मैं आपको आवाज़ बता दूँ कि कैसा आवाज़ आ रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरी बाइक चल रहा है, ठीक है, देखिए खन 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 या फिर टिक 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 आवाज़ आएगी। मगर पास में ले जाओ टिक टिक की आवाज आ रही है, वो इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। इसका जो सोल्यूशन है इसके हेड में छुपा है, इसका टैपिट है, ठीक से सेट नहीं हुआ है, मैंने लूज रखा था, तो उस टैपिट को हम आज टाइट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इधर जो कैप है टैपिट कवर, अगर इधर भी है, अगर आपको बॉक्सर गाड़ी है तो उसमें दो ऐसे टैपिट कवर रहता है, अगर दूसरा कोई गाड़ी है तो एक ही पैच वो थ्रेडिंग वाला रहता है, इसको कवर को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, ये 10 नंबर का 2 बोल्ट है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने चारों बोल्ट खोल लिया है, ध्यान से खोलेगा, थ्रेडिंग मट काट दीजिएगा, इसका ढक्कन को आपसे इसे रिमूव कर लेना है और साइड में रख देना है, इधर का मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें कैसे चलाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप इधर आएंगे, ठीक है, इधर आने के बाद ये जो हेड का कवर है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। मेरा तो एक बोल्ट टूटा हुआ है, तो मैं इस बोल्ट को, अब अगर आपका रिंग पाना है तो इससे भी हो जाएगा, 10 नंबर का किसी भी चीज़ से ये हो जाएगा, ये ओपन हो गया। और जो मैग्नेट कवर है तो उसमें आपको अगर बात समझ नहीं आता है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइमिंग का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो टाइमिंग कैसे मिलाते हैं उसका भी वीडियो मैं लाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो। इसको स्क्रू ड्राइवर के मदद से ऐसे खोल लेना है और आपको रख देना है। तो इधर देखिए ये जो मार्किंग है ये सीधा जो इसके एक मार्किंग है इसके सीधे में आएगा, इसमें अगर तो उल्टा लगा है मतलब अभी गाड़ी गियर मतलब ऐसा है तो इसको पहले आप अगर इसमें चाबी वगैरह लगे 14 नंबर की चाबी लगते हैं उस अगर नहीं है तो इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। आपको किक लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, फिर ये घूमेगा। तो मैं उधर से किक लगाता हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जो चाबी इधर घूमेगा और यहाँ पर आने के बाद किक को आपको छोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए आपको हल्का हल्का से न्यूट्रल करके गाड़ी हल्का हल्का से किक लगाना है, थोड़ा सा अभी जब जाएगा इधर थोड़ा सा टाइट जाएगा किक, ध्यान ज़्यादा नहीं करना है, फिर बाहर चला जाएगा, बस तो देखिए अभी इसके पहले बिल्कुल सीध में आ गया है, देख सकते हैं। तो अब हम टाइमिंग को टैपिट को चेक करेंगे, तो उधर चलते हैं, मैं टैपिट को चेक करके बता देता हूँ। तो अब अभी जब देखिए देखो निकालना बहुत मुश्किल है, बस खिलेंगे, देखिए आवाज़ सुन सकता है, ध्यान सुनिए, तो टिक टिक आवाज़ हो रहा है, ये टैपिट लूज है तो इसको हमको टाइट करना पड़ेगा। तो पहले हम 9 नंबर की चाबी लेंगे, पहले इसको लूज करेंगे, तो इसके लिए एक स्पेशल टूल आता है इस नट को होल्ड करने के लिए, वो तो मेरे पास नहीं है तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ। तो इसको पहले नट, इस जो नट है इसको लूज करिए, ऊपर का जो ये वाला है इसको घुमा के थोड़ा सा घुमाइए, फिर गैप देखिए, गैपिंग आपको मिनिमम रखना है,
ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइट कर दिया तो वैसा आपका स्टार्ट भी नहीं होगा, प्रॉब्लम हेल्प वगैरह बेंड हो सकता है, ध्यान रहेगा। तो हाथ से प्ले कर देखिए, अगर आपको बिल्कुल प्ले थोड़ा सा होगा, मेरे पास फिलर गेज है वैसे भी मैं दिखा सकता हूँ, बट आप हाथ से ही करेगा इजी होगा। अभी आवाज़ है तो मैं थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, बिल्कुल टाइट हो गया है। फिर आपको नाक नेट को हाथ से टाइट करना है, ध्यान रखिए इसको आपको पहले होल्ड करना है, नहीं तो नेट के जब टाइट करेंगे तो ये भी घूम जाएगा, तो उसके लिए पहले अंदाजे से थोड़ा सा लूज़ करना पड़ता है। देखिए नट अच्छे साथ घूम रहा है, तो हम पहले थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। पर अगर आपको मैसेज हो जाए कि हो गया है तो आपको जोर से टाइट कर देना, मुझे फील हो जाए कि थोड़ा सा गैपिंग है बट इट साउंड में नहीं कर रहा। तो अगर इसका भी सेम प्रोसेस है, इधर क्या मैं दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इधर का भी सेम है, ये इनलेट का है, ये तो बहुत आवाज़ कर रहा है, देखिए अगर ध्यान से सुन सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है तो इसको हम टाइट करेंगे, पहले लूज कर लीजिए। फिर इसको हम हाथ से मैनुअली इस नट को, ये जो ऊपर उठा हुआ है इसको अब टाइट करेंगे, ये नट तो लॉक नट है। फिर भी आवाज़ कर रहा है, फिर हम टाइट करके देखेंगे। अब ठीक लग रहा है, फिर हम टाइट करेंगे अच्छे से। फिर देखेंगे, अब महसूस हो रहा है कि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महसूस होना, महसूस हो रहा है कि मुझे गैप है बट साउंड आपको फील नहीं होगा। ये देखें मुझे महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा गैप है, ठीक है, बट देखिए साउंड कुछ नहीं हो रहा है, इधर का मैंने सेट कर दिया। पहले इस कवर को लगा दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि चेन टाइट है कि नहीं है, अगर टाइट है तो ठीक है, टेंशनर काम कर रहा है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करने में कोशिश करूँगा कि सलूशन आपको दे दूँ। ठीक है तो मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो कवर है इसको भी लगा लेना है। तो मैंने सारा चीज़ कर दिया है, फिर आपको स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ वो साउंड गया है कि नहीं गया। पहले आप चाबी ऑफ करके एक बार ठीक लगाइए, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है फिर मैं चाबी ऑन करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए वो टिक टिक साउंड बिल्कुल चला गया। नेक्स्ट डे मिलते हैं।